चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जो टेस्ट हम लोगों का 3 जुलाई को हुआ है। तो आइए सेक्शन ही पहले देखें, फिर सेक्शन भी है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड रोट इट एज 3.50 सेंटीमीटर। बात हो रही है फर्स्ट क्वेश्चन की, लेंथ दी है 3.50 सेंटीमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज़ टू मेज़र, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसने यूज़ किया है। तो देखो बच्चा, इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक मेजर हुआ है। दो प्लेस तक हुआ है। कितने प्लेस तक हुआ है? दो प्लेस। तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया उसका लीस्ट काउंट कितना है? उसका लीस्ट काउंट डेसिमल के बाद दो प्लेस तक है कि नहीं है? इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ? 0.01 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप चार ऑप्शन में से देख लो किसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, बात खत्म हो गई। इतना सा क्वेश्चन है, जिसका भी लीस्ट काउंट क्या होगा बताइए, 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये चार आपके पास ऑप्शन हैं, सब में लीस्ट काउंट आप निकाल लो। आपको लीस्ट काउंट निकालने का तरीका पता हुआ है, क्लियर है कि नहीं है भाई? कितना है? 3.50 सेंटीमीटर। तो जिसमें भी लीस्ट काउंट कितना होगा बताइए, डेसिमल के बाद दो प्लेस तक होगा, उसका आप आंसर लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन ओरली हो गया ये। तो अगला देखिए, अ बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक्स बैक विथ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ इतने इज एवरेज स्पीड। देखो बेटा, वो x डिस्टेंस गया, x वापस आया, मतलब दोनों पार्ट बराबर हो गए कि नहीं हो गए? x x हो गए। इसमें स्पीड कितनी है? v1 है। इसमें कितनी है? v2 है। अगर बराबर पार्ट में कवर करता है तो एवरेज का फॉर्मूला याद है कि भूल गए? क्या? एन अपॉन 1/v1, 1/v2 एंड सो ऑन। यहाँ पर दो पार्ट हैं तो 2/1/v1, 1/v2, तो क्या निकल आएगा बताओ? 2v1v2/v1+v2 होगा कि नहीं होगा? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? आंसर हो गया इसमें, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये है, ठीक। उसके बाद जो है अगला कर लोगे अब इसको रख करके? सब तो दिया हुआ है, कोई वैल्यू तो रखनी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि ऊपर एक स्प्रिंग लगी है और यहाँ पर एक मास 3m है, एक मास नीचे सस्पेंडेड है। इस ब्लॉक का नाम A है, इसका नाम B है। अब पूछ क्या रहा है कि जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया, ये IIT में आया था बहुत साल पहले क्वेश्चन, उसका कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे 2m आया था, इधर 3m हो गया, बस इतना फर्क है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पर जैसे ही इसको कट किया गया तो बताओ एसलेशन कितना होगा? बोलो, कट किया गया तो एसलेशन कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो नीचे की तरफ mg हो गया, ऊपर की तरफ t हो गया, तो t बराबर किसके आ गया बोलो? mg के आया कि नहीं आया? इसमें आ जाओ, ऊपर की तरफ क्या हो गया बेटा? kx, नीचे कितना हो गया? 3mg, नीचे t हो गया। तो ऊपर की तरफ आया तो kx हो गया, नीचे 3mg हो गया, नीचे t हो गया। kx बराबर कितना है बताओ? 3mg+t, t बराबर कितना है? mg। तो kx की वैल्यू कितनी निकल आएगी बताओ? 4mg आई कि नहीं आई बताओ? ये तब की बात है जब कट नहीं किया गया, ये तब की बात हो रही है जब कट नहीं किया गया। t इक्वल टू कितना है? mg। kx कितना है? 3mg+t, तो टोटल कितना हो गया? 4mg। अब आओ काटते हैं, है ना, काट दिए। जैसे ही काटेंगे तो ये तो फ्री फॉल करेगा। बोलो बी वाले के बारे में तो कोई बात करने की आवश्यकता नहीं, क्यों? जैसे ही आप इसको काट दोगे तो नीचे गिरेगा, इसका एसलेशन सीधे सीधे कितना आएगा? जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? प्रॉब्लम ऊपर वाले के साथ है। ऊपर वाले में क्या होगा,
ये के एक्स हो गया, नीचे की तरफ क्या हो गया बोलो, टी हो गया और नीचे 3mg हो गया, याद रहेगा कि नहीं बोलो, टी हट गया ना इसमें। अब जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया तो टी खत्म, जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया यहाँ से टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। टी क्या हो जाएगा बताओ, ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है बताओ, कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 4mg है कि नहीं। अब देखो 4mg बड़ा, 3mg छोटा है, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, कितना एसेलेशन होगा भाई लोग, ये आ जाएगा 4mg माइनस 3mg अपॉन मास कितना हो गया 3m, कितना बच गया बताओ, a डैश इक्वल टू g/3 हो गया कि नहीं हो गया, आंसर खत्म, ठीक है ना। तो एसेलेशन एक का g/3 हो गया, एक का g हो गया, जो नीचे वाला वो फ्री फॉल करेगा उसका g होगा, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा g/3 होगा ऊपर की तरफ, क्लियर है कि नहीं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करोगे टेंशन जीरो, बात खत्म। एक लाइन की बात याद रखनी है कि जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया टेंशन खत्म, और टेंशन अगर ख़त्म तो इसका मतलब क्या है, टेंशन अगर ख़त्म इसका क्या मतलब है बताइए, टेंशन अगर ख़त्म तो इसका क्या मतलब है कि ये फ्री फॉल करेगा एक जो मास है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, ईच ऑफ चार्ज 1 microcoulomb आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस विद 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन, नेट फोर्स पूछ रहा है। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है 1 coulomb का ओरिजिन पे, ठीक है ना, और इसके बाद जो है यहाँ पर एक चार्ज 1 है, मान लो ये 2 है, ये आपका 4 है, ऐसे करके है, यहाँ पर जो चार्ज रखा है 1 microcoulomb, यहाँ भी 1 microcoulomb, यहाँ भी 1 microcoulomb, समझ में आ रहा है, हर जगह 1 microcoulomb, कह रहा है इस वाले पर फोर्स बताइए कितना होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक, और जो डिस्टेंसेस दे रखी हैं वो आपकी है ना मीटर में ही दे रखी हैं, क्योंकि बोला कुछ नहीं है तो मीटर ही ले लो, ठीक। अच्छा अब यहाँ देखिए क्या होगा बच्चा, यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्टेंस 1 है, फिर ये 2, फिर ये 4 आएगी, तो पहली बार का जो फोर्स आएगा कितना आएगा, 9×10⁻⁹, इधर 1 है ना, और इधर है 1 microcoulomb माइनस 6 अपॉन 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, अरे भाई 1 meter का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 9000 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, कितने न्यूटन आ जाएगा बताओ, 9000 newton आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना। अगली बार में कितना आएगा, F2 बराबर आएगा कितना बताओ, F2 बराबर 9×10, या एक काम करो सुनो, इसको अभी मत सॉल्व करो, थोड़ा सा रुक जाओ, F1 की वैल्यू के बाहर ले लो और 1 microcoulomb यानी कि 10⁻⁶ बाहर ले लो, क्यों, अब देखना इधर ध्यान से, पहली बार में 1/1 आएगा, दूसरी बार में 1/4 आएगा, तीसरी बार में 1/16 आएगा, अरे स्क्वायर करते जाओ, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा, अब आप समझदार हैं, ये क्या मिलेगा, के 10⁻⁶, ये जीपी बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, क्यों, और इसका सम याद है इनफाइनाइट का कि नहीं याद है, a/1 r होता है कि नहीं होता है, क्यों, तो यहाँ पर पहला टर्म 1 हो गया, 1 - 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, बार बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1/4 से कर रहे हो ना, तो f=, अब सॉल्व कर लो, 9×10⁻⁶, इसको सॉल्व करोगे तो 4 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा, ये आ गया देखो 3×3 = 9, तो ये देखो यहाँ पे 9×10⁻⁹ तो लिखे नहीं, तो ये 3 आएगा है ना, तो ये कितना आ गया बेटा 12000 newton, क्यों भाई, कितने न्यूटन आ गया बताओ, 12000 newton, आंसर खत्म, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ये जीपी बन रही है, क्या बन रहा है बताओ, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगला देखिए नेक्स्ट
क्या कह रहा है, वन ऑन सस्पेंडिंग अ वेट एम जी द लेंथ एल ऑफ इलास्टिक वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इट्स लेंथ बिकम्स डबल द इनिशियल लेंथ, द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द वायर इज, लेंथ डबल हो गई है, स्ट्रेस पूछ रहा है कितना होगा, क्या क्या दिया है, वेट देखो उन्होंने जो सस्पेंड किया है, क्वेश्चन नंबर फाइव की बात हो रही है ना, क्वेश्चन नंबर फाइव की बात हो रही है, इन्होंने कहा है कि एक वेट हम लोगों ने जो सस्पेंड किया है वो एम जी सस्पेंड किया है, लेंथ एल दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दे रखा है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, इट्स लेंथ बिकम्स डबल द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है वो पूछा जा रहा है कितना होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, ठीक है ना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पूछ रहा है, क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, ठीक। तो अब देखो ध्यान से भाई, लेंथ को डबल हो गया, लेंथ हमारी क्या हो गई बताओ, डबल हो गई है, तो अब पूछ रहा है कि बताइए स्ट्रेस बताओ कितना है, तो कैसे निकालोगे हैं भाई। देखो स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, बोलो फोर्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं होता, इलास्टिक वायर है, अब तुमने सस्पेंड कर दिया इसको, क्या कर दिया बताओ, सस्पेंड कर दिया, जैसे ही तुमने सस्पेंड करोगे तो क्या होगा बताइए, है ना, इनिशियल लेंथ का ये डबल हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, हैं देखो हमारे पास यहाँ पर देखो, जैसे ही आप इलास्टिक वायर बोल दे, इसका मतलब ये एफ इक्वल टू माइनस के एक्स इस फॉर्मेट में रखी जा सकती है, अगर कोई वायर इलास्टिक बोल दे इसका मतलब क्या है बताइए, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ, अगर कोई भी वायर है और उसमें इलास्टिक बोल देता है इसका मतलब एफ इक्वल टू किसके फॉर्म में आ जाएगी, के एक्स, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इसका मतलब क्या हो गया, इलास्टिक वायर अगर एफ इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में आ गई इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, हैं इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर होगी कि नहीं होगी बताओ, कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, एनर्जी स्टोर्ड हमारी कितनी हो गई बताओ, हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। अब अगर मान लीजिए तुमने एल इलोंगेशन कराया तो एम जी एल हो गया कि नहीं हो गया बताओ, इक्वल टू हाफ के और क्या हो गया बताओ, हैं एक्स को अलग कर लो, एल को अलग कर लेना, नहीं समझ में आ रहा, मेरी बात समझ रहे हो ना, यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर हो रहा है ना, मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनना, हाफ के एक्स, क्लियर है कि नहीं, हाफ क्या हो गया बताओ, के एक्स हो गया कि नहीं हो गया, हाफ के एक्स हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर हाफ के एक्स अलग कर लो और एक एक्स की जगह एल कर लेना। अब ये देखो के एक्स बराबर कितना मिल गया बताओ, 2mg मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलो स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं होता है, एरिया से डिवाइड कर दो 2mg अपॉन ए आंसर आ गया, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कनिंग माइंड है अपना ना, वर्क पार एनर्जी वाली बुकलेट में है, नहीं समझ में आ रहा, वर्क पार एनर्जी वाली बुकलेट में हमारे क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता एग्जैक्टली तो नहीं है, हाँ हमने एनर्जी का चेंज निकलवाया था, ठीक है ना, अब उसी का यूज़ करके इसने स्ट्रेस पूछ लिया है, तो देखो सीधी सी बात है, मास को तुमने लटकाया नीचे एल आया तो एनर्जी कितनी हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स मैंने कहा फोर्स हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा, एल को इधर ले जाओ तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2mg आ गई कि नहीं आ गई, बोलो फोर्स की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस बोल दिया इसलिए उसने, इक्विलिब्रियम नहीं बोला, इंस्टेंटेनियस बोला है, ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम में तो mg बराबर kx होता है, बोलो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, mg बराबर kx, तो उसने बोला नहीं, तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है, एक आध क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला, सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शन 2.3 एंड 4.5, देन द रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज नियरली, है ना, निकाल लेंगे अपने आप, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, वर्क फंक्शन दिया है तो एच सी वाई क्या होता है, लेमडा नॉट होता है, डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक, वैसे भी दिख रहा 2.3 है, ये 4.5 है, 23 का दोगुना 46 होता है, तो लगभग दो गुना है, लगभग दो गुना है, बात खत्म हो गया, तो आंसर हो गया। इसके बाद आइए सेवेंथ, A stone is thrown vertically upward when the stone is at a height equal to half of its maximum height
एस स्पीड इज 10, याद आया? ये भी अपनी बुकलेट में क्वेश्चन है, 10 है। देन द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन 10 मीटर, है ना? देख लीजिए आप, क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सेवेंथ वाला है, एक बॉडी को आपने ऊपर की तरफ थ्रो कर रखा है, ठीक, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट की आधी हाइट पर है तो उसकी वेलोसिटी 10 है, और कह रहा है कि बताइए क्या, देन द मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो 10 है, ये हमारी h/2 हो गई, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ क्या फॉर्मूला लगा देंगे, बोलो, v² - u² = -2gh। फाइनल क्या हो गया, 0, इनिशियल 10 का स्क्वायर माइनस 2g, और इंटू हाइट की जगह h/2 करोगे कि नहीं, इतने पोर्शन का लेना है तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो h आएगा बेटा 10 मीटर आएगा कि नहीं आएगा, आंसर नोट कर लो इसको। ये ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, बॉडी ट्रेवल्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर है 8, बॉडी ट्रेवल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन अ स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट लाइन सॉरी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 5 न्यूटन, इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज 25, देन द एंगल, ये भी पूछेंगे अब, है w = fs cos θ, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा, ठीक, ये तो बहुत आसान है। अगला देखिए, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इफ द वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज 0.2 कूलम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अलोंग अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री इज 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, निकल आएगा। सेम क्वेश्चन दोनों हैं, क्या है भाई, यहाँ पे नाइन्थ वाले की बात हो रही है, देखो 8th और 9th दोनों क्वेश्चन में w = fs cos θ लगाना है, 9th वाले में f की जगह QE रख देना है, बस इतना फर्क है, याद रहेगा तुम्हें, f की जगह क्या रख देना, QE रख देना है। देखो वर्क डन दे रखा है, चार्ज दे रखा है, s दे रखा है, थीटा दे रखा है, आपको सिर्फ क्या निकाल लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना, ओके, चलिए वेरी गुड। अब इसके बाद आइए 10th क्वेश्चन नंबर 10th, इन स्टील द यंग्स मॉडुलस एंड द स्ट्रेन एट ब्रेकिंग पॉइंट आर इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली, द स्ट्रेस एट ब्रेकिंग पॉइंट फॉर द स्टील इज देयर फोर, तो मल्टीप्लाई कर दो, स्ट्रेस निकल आएगा। वाई का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन होता है, इसको इधर ला के क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 0.15 करोगे तो ये आपका 0.3 × 10^11 आएगा, तो 3 × 10^10, ठीक, ये हो गया। अगला बेटा 11th वाला क्वेश्चन नंबर 11th थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज समटाइम्स इक्वल टू द एटोमिक नंबर, होता है कि नहीं होता है, ऑलवेज लेस देन इट्स एटोमिक नंबर, ऑलवेज मोर देन इट्स एटोमिक नंबर, समटाइम इक्वल्स टू इज एटोमिक नंबर, हो सकता है भाई, ऐसा भी तो है कि नहीं है किसी के पास, गरीब आदमी है भाई, न्यूक्लियन नहीं है, वो न्यूट्रॉन नहीं है तो क्या करेगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे फिर। अगला देखिए, स्कूटर इज गोइंग राउंड इन अ सर्कुलर रोड हैविंग रेडियस इतनी, स्पीड इतने, एंगुलर स्पीड ऑफ द स्कूटर इज, कोई दिक्कत, एंगुलर स्पीड क्या होती है बेटा, हैं क्वेश्चन नंबर बात हो रही 12 की, ω = v/r, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, आपको v दिया है, r दिया है, उठा करके रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला देखिए, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg 3 kg है पोजिशन वैक्टर इतने इतने, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज, बहुत बढ़िया। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है, r ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका सीधे सीधे फॉर्मूला होता है m₁ r₁ m₂ r₂ अपॉन क्या होता है m₁ + m₂, होता है कि नहीं होता है, पहले वाले मास को 1 kg का है तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, i₂j+k, है ना, प्लस दूसरे वाले का मास 3 है तो 3 मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 3 × 3 = 9, यानी कि -9, क्यों,
माइनस नाइन आई कैप, फिर थ्री से करो, माइनस सिक्स क्या हो जाएगा बेटा, जे कैप, और प्लस क्या होगा, थ्री के कैप अपॉन टोटल मास 4 केजी आएगा कि नहीं। माइनस का 9 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 8 बचा, माइनस का 6 है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 4 बचा, प्लस का 3, प्लस का 1 है, तो 4 के कैप बचा अपॉन 4 हो गया, तो माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, आंसर ये वैल्यू। ठीक, आर ऑफ सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगला ये क्वेश्चन नंबर है 14। द वी आई ग्राफ फॉर कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द वी एक्सिस। ये देख, ये वी है, ये आई है, ये ग्राफ है, थीटा यहाँ से, उसने पूछा रेजिस्टेंस, तो एंगल यहाँ से लेना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, तो आर बराबर वी अपॉन आई, तो ये आएगा 10 90 माइनस थीटा, आंसर कॉट थीटा, खत्म। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक इन्होंने चैम्बर बनाया हुआ है, ये चैम्बर है, एरिया ऑफ पिस्टन इज 1 मीटर स्क्वायर, बीच में एक पिस्टन है बेटा, यहाँ पर एक पिस्टन है, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द गैस इट एक्सपेंड्स एंड डिस्प्लेसेस द पिस्टन। देखो, एक तरफ गैस भरी हुई है, एक तरफ वैक्यूम है ना, गैस में यहाँ भी एक स्प्रिंग लगी हुई है बच्चा, एक स्प्रिंग यहाँ लगी है, एक स्प्रिंग यहाँ लगी हुई है, क्या कह रहा है, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द गैस इट एक्सपेंड्स एंड डिस्प्लेसेस द पिस्टन बाय एल बाय टू, वेयर एल 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो एल बाय टू है और एल 1 मीटर दिया है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 1 मीटर है, ठीक, इसकी नेचुरल लेंथ 1 मीटर है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर, द प्रेशर ऑफ द गैस इन फाइनल सिचुएशन इज, प्रेशर ऑफ द गैस इन फाइनल सिचुएशन इज, फाइनल सिचुएशन में जो गैस का प्रेशर है वो पूछ रहा है कितना होगा, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस एट फाइनल सिचुएशन। हाँ, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन फाइनल सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन में गैस का जो प्रेशर है वो पूछ रहा है कितना है। देखो, ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नहीं, ये आपका स्प्रिंग का क्वेश्चन है, अगर एक मास के साथ दोनों तरफ स्प्रिंग लगी है तो दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है, नहीं समझ में आ रहा, एक तरीके से दोनों पैरेलल में है, अगर कल को मान लीजिए हम देखें तो इस पिस्टन के ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक इधर से लगेगा और एक इधर लग रहा है, दो स्प्रिंग हैं, दोनों के फोर्स लग रहे हैं, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये वाला के एक्स लग रहा है और ये वाला भी क्या लग रहा है, के एक्स, तो टोटल कितना फोर्स पिस्टन पर लग रहा है बताओ, 2 kx लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इतना तो लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है बताओ, 2 k, कितना दिया है 100 x, दिया है L/2, तो कितने न्यूटन का है बताओ, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और एरिया कितने मीटर स्क्वायर दे रखा है 1, तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन क्या होता है एरिया, तो 100 पास्कल हुआ कि नहीं हुआ, खत्म। थर्मोडायनेमिक्स इसमें है ही नहीं, क्यों, स्प्रिंग दो लगी हैं और दोनों पैरेलल में, जब एक ही मास के साथ दो स्प्रिंग लगी हो तो दोनों पैरेलल में होती, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, दोनों का के एक्स क्या करेगा, ऐड कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई, एक्सपेंड करेगी ना, तो ये कंप्रेस करेगा, ये इधर की तरफ आएगा, दोनों फोर्स एक ही तरफ हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब आपको, सर आपको कैसे पता थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नहीं है, अगर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन होता
तो इनिशियल वैल्यू दी रहती है कि इतना इतना पहले था, अब बताओ कितना कितना होगा। प्रोसेस का कुछ आइडिया दिया रहता है कि इसकी जो दीवारें हैं डायथर्मिक हैं कि एडियाबेटिक है, कुछ नहीं बोला है तो सीधी सी बात है हमें उधर सोचना ही नहीं है। भाई हम उधर सोचें क्यों जब हमको उधर का कुछ दिया ही नहीं है? तो हम सीधा सीधा सोचेंगे कि भाई स्प्रिंग है दोनों पैरेलल में, बात खत्म। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक, ये अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन कंडक्टर सेमी कंडक्टर इंसुलेटर आर EG1 EG2। ये तो आपको पता ही है, सबसे कम किस में होता है? कंडक्टर, फिर सेमी कंडक्टर, फिर किसका? इंसुलेटर। अगला देखिए, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मासेज इज F, है ना। इफ 25% ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं, मास ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू अदर। 25% का मतलब होता है 1/4। क्यों? 25% का मतलब कितना होता है बच्चा? 1/4। 25% का मतलब 1/4 होता है। नहीं देखो, पहली बार का फोर्स हो गया जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बात हो रही क्वेश्चन नंबर 17 की, और इसमें क्या हो रहा है 25% मास किसका दिया जा रहा है? तो एक का मास बचेगा बेटा m/4, और नहीं नहीं 3m/4, एक का बचेगा 3m/4 बचेगा, और दूसरे का 1/4 बढ़ गया तो 5m/4 हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर। इधर से 1/4 कम किया, इसको दे दिया, तो इधर बचा 3m/4, इधर कितना हो गया 5m/4, कितना मिलेगा बताओ? 15/16, और जी एम स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? आर स्क्वायर। ये तो पहले वाला फोर्स है ना, तो 15F अपॉन कितना हो गया? काम करता हूँ, ये है आसान कि नहीं? एक का 25% मास उठा करके दूसरे को दे दिया कि नहीं दे दिया, है ना। ये सब ओरली है, पेनलेस, है ना। अगर थोड़ा प्रैक्टिस है तो अभी तक के 2-3 क्वेश्चन छोड़ करके सब पेनलेस हैं, उठाना नहीं, पेन ही नहीं उठाना है। अगला देखिए, अब पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM 5 सेंटीमीटर एम्पली है ना, मैक्सिमम स्पीड इतनी है, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा होती है। मैक्सिमम स्पीड क्या होती है बेटा? ए ओमेगा। 18 के लिए बात बता रहे हैं, अपने आप कर लीजिएगा। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है? 2πf। फ्रिक्वेंसी निकल आएगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए 19, एक कोई सर्किट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में एक सर्किट दिया है ना। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक यहाँ है, एक कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर नहीं बैटरी है। यहाँ पर बैटरी है 2 वोल्ट की, यहाँ 1.5 ओम है, और यहाँ पर 2.5 ओम है। यहाँ पॉइंट ए दिया है इस जगह पे, यहाँ बी दिया है, यहाँ सी, यहाँ डी। क्या कह रहा है? बी वाले का पोटेंशियल जीरो है, ये देखो बी वाले का पोटेंशियल जीरो है, तो पूछ रहा है कि बताओ ए और डी का क्या होगा, ए का क्या होगा और डी का क्या होगा। हैव यू गॉट द क्वेश्चन? समझ में आ गया सबको? अब क्वेश्चन देखिए, ओरली हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ध्यान से इधर देखिए। ये बताओ ये कितना है? जीरो है। करेंट इधर से आ रहा है 1 एम्पियर का, इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर क्या होगा? लो पोटेंशियल होगा, होगा कि नहीं होगा? अब बताओ यहाँ पर अगर जीरो है तो यहाँ कितना होगा? +1.5 होगा, बात खत्म। क्योंकि कितने का करंट है? 1 × 1.5 करोगे तो 1.5 आएगा, तो इसका अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है? 1.5 का है। क्यों भाई? इसका जो डिफरेंस है कितने का है? 1.5 का है कि नहीं है? इसका मतलब अगर इसका जीरो तो इसका +1.5 होगा कि नहीं होगा? बताओ इसका कितना हो जाएगा? +1.5। अब और डी वाले की बात करते हैं, इसका जीरो है, ये कितने वोल्ट का डिफरेंस है बताओ? 2.5। तो अगर जीरो है तो यहाँ पर आएगा -2.5, कितना आएगा बताओ? -2.5। और इधर जाने पर, निगेटिव से पॉजिटिव जाने पर +2 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा बोलो? +2 करना पड़ेगा, तो माइनस का 0.5 बचा, खत्म। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? माइनस का कितना बच रहा है बताओ, है ना, ये बच रहा है आपका कि नहीं बच रहा है? माइनस का 0.5 आंसर आ गया, फोर्थ वाला आंसर है। नहीं समझ में आया? इधर कितना? जीरो। इधर कितना? +1.5। उधर जाने पे निगेटिव होगा, तो इसका जीरो तो इसका -2.5। अब ये देखो प्लस की तरफ जा रहे हो ना बैटरी की, तो कितना प्लस है? 2 है ना, तो 2 इसमें ऐड कर दो, कितना मिल जाएगा?
माइनस पॉइंट फाइव, खत्म हो गया आंसर। ये ऐसे किया जाता। अगला, फॉर एन आइडियल गैस द आइसोथर्मल एक्सपेंशन द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी अपॉन पी इज गिवन बाय, है ना, आइसोथर्मल है तो माइनस डेल्टा वी बाय वी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पी वन वी वन इक्वल टू क्या होता है पी टू वी टू, तो जो चेंज इसमें प्लस में होगा वो चेंज इसमें क्या होगा माइनस में होगा, सेकेंड आंसर है। अगला देख लो, द डायोड यूज इन सर्किट शोन इन द फिगर, डायोड दिया है, चलो बना लेते हैं। 21 वाला, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पर डायोड बना है, डायोड में 0.5 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है, बैटरी लगी है 1.5 वोल्ट की। क्या कह रहा है कि एट ऑल द करंट मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ 100 मिली वॉट, सुन द हैज कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप इतने, एट ऑल करंट एंड मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ 100 मिली वॉट, इसकी जो पावर रेटिंग है 100 मिली वॉट है, है ना, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द डायोड फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट। तो बहुत आसान है, कैसे, वोल्टेज दिया है, पावर दिया है, करंट निकाल लो और करंट निकाल के पड़ोस वाले को दे दो। नहीं समझ में आ रहा, देखो इसका 0.5 वोल्ट है ना, तो इसका कितने वोल्ट आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा, तो इसका वोल्ट पता चल गया है। अब इसको क्या चाहिए बताओ, आर निकालनी तो आई ढूंढ लो, आई कहाँ से ढूंढ लोगे, पावर बराबर वी आई होता है, पावर बराबर क्या होता है बोलो, वी आई होता है, तो यहाँ से आई बराबर क्या होगा, पी अपॉन वी आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पी अपॉन वी है, उठा करके इसके साथ यूज़ कर लेना, आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे तुमको सब पता ही है, उठा करके इसमें वैल्यू रख दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखो, द टाइम पीरियड ऑफ मून ऑफ प्लेनेट मार्स इज रिलेटेड टू द ऑर्बिटल स्पीड। तो ये तो सीधा फॉर्मूला है बेटा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर की पावर 3 होता है, और इसके अलावा फार्मूला भी लगा सकते हो भाई। देखो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात हो रही है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर अपॉन क्या होता है वी, और वी का फार्मूला क्या होता है बच्चा, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन क्या होता है आर होता है कि नहीं होता है, उठा के रख दो तो टी स्क्वायर निकल आएगा आंसर। ठीक, ये वैल्यू फार्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद है बहुत बढ़िया है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद है तब तो कोई परेशानी ही नहीं है, और नहीं याद है तो उठा करके यहाँ पे रख दो आंसर आ जाएगा। मास कैपिटल एम के नीचे स्मॉल एम लिखा बेटा, वो तो उसमें मास ऑफ मून है, वो मास ऑफ मून है, वो मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान रखिए। अगला देखिए, नेक्स्ट, अ वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग एम्पलीट्यूड अलोंग वाई डायरेक्शन, वेव लेंथ दे रखा है, फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय, वेरी गुड। क्या क्या दे रखा है बच्चा, 23 की बात हो रही है, एक वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एम्पलीट्यूड दे रखा है 1 मीटर, और उसके बाद वेव लेंथ कितनी दे रखी है 2 पाई, और उसके बाद फ्रिक्वेंसी दे रखी 1/π, क्लियर है कि नहीं, ये आपका हर्ट्ज है, ये मीटर है ना। अब क्या पूछ रहा है इसमें बताइए, इक्वेशन पूछ रहा है, तो वाई का फॉर्मूला होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, होता है कि नहीं होता, ओमेगा की जगह चाहो तो 2π/T रख लो, और के की जगह रख दो 2π/λ इंटू एक्स, तो y एम्पलीट्यूड 1 हो गया है, साइन ये आ जाएगा 2π f रख दो, है ना, 2π f रख दो, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो 2π f की जगह 1/π t माइनस 2π/λ 2π इंटू एक्स, पाई पाई कट गया, 2π कट गया, तो क्या मिल गया, y बराबर है साइन 2t माइनस एक्स, आंसर आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक,
नहीं देखो, जब भी कभी आप वेव बनाते हैं तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो शो करते हैं वाई में शो करते हैं, ये देखो, और एक्स में वेव जाती है, ये वेव की डायरेक्शन होती है, ये पार्टिकल की होती है, पता है कि नहीं पता आपको? वाई में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट शो होता है और एक्स में किसकी डायरेक्शन शो होती है? वेव की होती है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इसलिए वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं, उसको पढ़ना ही नहीं है हमको। एम्पलीट्यूड पढ़ लिया, बात खत्म। ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। अगला देखिए, एक कैपेसिटर दिया, दो कैपेसिटर दिए हैं और पूछ क्या रहा है, इनिशियली द स्विच इज ओपन, हाँ। अब देखिए बेटा, दो कैपेसिटर लगे हैं, एक कैपेसिटर ये है, यहाँ पे एक स्विच लगा है और यहाँ पर एक दूसरा स्विच लगा है, कैपेसिटर लगा है सॉरी। यहाँ पर जो C1 है उसको C मान लेना, ये 2C आ जाएगा, और C1 को जो चार्ज दिया है वो Q दिया है, ठीक। इन्होंने कहा है कि जब स्विच को क्लोज करेंगे तो चार्ज कितना होगा, है ना? तो देखो, सबसे पहले तो आप कॉमन पोटेंशियल निकाल लो। कॉमन पोटेंशियल होता है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो चार्ज कितना है, Q अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो गई, 3C। अब पहले वाले का चार्ज याद आया, क्या बताया था, C1V। तो Q1 डैश क्या निकलेगा, C1 की जगह C, V की जगह Q अपॉन 3C, कट गया तो Q अपॉन 3 आया कि नहीं आया, आंसर खत्म। अगर एक का Q/3 है तो दूसरे का कितना होगा, 2Q/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर हो गया। ये तरीका। नेक्स्ट, क्या कह रहा है कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज इतना, देन द वैल्यू ऑफ गामा इज, तो CV का फॉर्मूला होता है R अपॉन गामा माइनस वन, लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में ये फॉर्मूला लगना है, CV होता है R अपॉन गामा माइनस वन, लगा देंगे आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 26 वाला क्वेश्चन नंबर 26, फिगर शोज प्लेनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, वेयर इज़ द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो बेटा जब वो पास में होता है तो स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 वाला आ जाएगा। जब वो सन के सबसे ज़्यादा पास होता है तो स्पीड सबसे ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, जब वो सन के पास होगा तो P4 वाले पे होगा, ठीक। 26 हो गया। 27 पे आइए, है ना, क्वेश्चन नंबर 27, रॉड ऑफ वेट W सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ एजेस A एंड B इन इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। एक रॉड है और उसको दो जगह हमने सपोर्ट किया है, एक यहाँ सपोर्ट किया है, एक यहाँ सपोर्ट किया है, दो नाइफ एजेस हैं, ठीक। रॉड का वेट W है, द नाइफ्स आर एट पोजीशन D फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों जो नाइफ हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, जो सेंटर ऑफ मास है इनका वो एक्स डिस्टेंस पर है यहाँ से, यानी कि जो वेट डब्लू है वो यहीं लग रहा है, वेट डब्लू यहीं लग रहा है। अब क्या पूछ रहा है ये, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए वाले पर, नॉर्मल रिएक्शन यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कितनी होगी, ये एन ए हो गया, ये एन बी हो गया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, एन ए प्लस एन बी बराबर डब्लू आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा इसको ले लो जरा, ये आ जाएगा एन ए इंटू एक्स एन बी इंटू डी माइनस एक्स, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से हमको एक ही निकालनी है, तो एन बी कितना निकलेगा बताओ, एन बी बराबर कितना आ जाएगा, है एन बी बराबर कितना आ जाएगा, एन बी बराबर होगा एन ए एक्स अपॉन डी माइनस एक्स, इसको उठाकर इसमें रख दो तो क्या निकल आएगा बताओ, एन ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा एक काम और कर सकते थे, अगर हमको एन बी नहीं चाहिए, एन ए निकालना है ना, तो आप यहाँ से मोमेंट ले सकते थे, इस जगह से एन बी अपने आप ख़त्म हो जाता। अगर यहाँ से मोमेंट लेते तो ये देखो डब्लू,
तो W इंटू डी माइनस एक्स बराबर किसके आता है बताओ, एन वन एन ए इंटू डी आता कि नहीं आता, तो एन ए बराबर क्या निकल के आता बताओ, W अपॉन डी इंटू डी माइनस एक्स, सीधे आंसर आ जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसके चक्कर में मत पढ़ो, दो इक्वेशन क्यों बना रहे हो, सीधे एक से काम चल जाएगा। हमको सीधे नॉर्मल रिएक्शन एक की पूछ रहा है, बात खत्म हो गई, दूसरे की जब पूछेगा तो हम माइनस करेंगे ना, तो सीधे मोमेंट कहाँ से निकाल दिया है बताओ, बी वाले से। ये देखो एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एक कैसा हो गया बताओ, क्लॉकवाइज हो गया। आगे आंसर की नहीं आती, तो आंसर आपका W इंटू डी माइनस एक्स अपॉन डी सेकेंड आंसर है। ठीक, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, बना लीजिए आराम से। थोड़ा सा कम सोचा करिए और डायरेक्ट सोचा करिए, घुमा फिर आगे नहीं। इसके अलावा लगभग सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट आपको रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही मैक्सिमम आते हैं। ट्वेंटी एट, द आर एम एस वेलोसिटी ऑफ द गैस एट गिवन टेम्परेचर इज 300 वी आर एम एस 300 मीटर पर सेकेंड। वॉट विल बी द आर एम एस वेलोसिटी ऑफ द गैस हैविंग ट्वाइस मॉलिकुलर वेट एंड हाफ द टेम्परेचर। मॉलिकुलर वेट पहले आए एम था, बाद में एम बाई टू हो गया, और टेम्परेचर क्या हो गया बताओ, ट्वाइस द मॉलिकुलर वेट यानी कि 2m हो गया, और टेम्परेचर पहले टी था, बाद में कितना हो गया, टी बाई टू आ गया कि नहीं आ गया। लगा लेंगे फार्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लेंगे ना। वी आर एम एस का क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ 3RT बाई एम होता है कि नहीं होता है। वी आर एम एस का क्या फार्मूला है, अंडर रूट ऑफ 3RT बाई क्या है बताओ, एम हो गया कि नहीं हो गया, आंसर ये है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू 60, द प्लेट लूजेज चार्ज एट द रेट ऑफ इतने, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंट। ठीक है ना, तो भाई जिस रेट से चार्ज लूज होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, dQ बाई dt को ही तो करंट कहते हैं, तो सीधे बिना सॉल्व किए आंसर हो गया 1.8 है ना कूलम पर सेकेंड, 1.8 कूलम पर सेकेंड का चार्ज हो गया, करंट हो गया कि नहीं हो गया, आंसर इसमें कुछ करना ही नहीं। अगला देखिए 30, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ विल फॉर्म मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा जाए, कॉन्वेक्स लेंस है क्या करेगा, मैग्नीफाइड रियल इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट एफ और किसके बीच में रखा जाए, 2F के बीच में, कहाँ रखा जाए, एफ और 2F के बीच में। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बीटा रेज, ये तो रटा होना चाहिए। 32, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 cm, ठीक है ना, फ्रॉम कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतने, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना, देन द पोजिशन ऑफ इमेज। क्वेश्चन नंबर आइए 32 है ना, क्या फार्मूला होता है, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन क्या होता है, आर होता है कि नहीं होता है। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 अपॉन वी, ये 1, यू कितना दे रखा है बताओ, 40, माइनस में रखना 1.5 माइनस, और ये 1 आया, अपॉन रेडियस कितनी दे रखी है बताओ, 20, माइनस में होगी, कॉनकेव है, कॉनकेव देखो ऐसे बनेगी, अगर ऐसे बनेगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, रेडियस माइनस में आएगी, कॉन्वेक्स में रेडियस किस में होती है, प्लस में, कॉनकेव में किस में होती है, माइनस में। आ रहा समझ में, रख दीजिए आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वी, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन क्या होता है, यू, ये है आसान कि नहीं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है बच्चा, 33, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दे रखा है, वैल्यू ऑफ इनिशियल करंट इज, 33 करंट की इक्वेशन दे रखी है 8 sin और 100 πt प्लस पाई अपॉन 6 इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है t = 0, t
तो आई बराबर क्या मिलेगा, 8 साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, 1/2, आंसर 4 एम्पियर कदम है। आसान कि नहीं? इनिशियल का मतलब क्या होता है, टी इक्वल टू ज़ीरो, 34 व्हेन वाई डी एस सी अ थिन फिल्म इज पोस्टेड इन फ्रंट ऑफ अपर स्लिट इन वाई डी एस सी द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट बाय 1 मिलीमीटर, व्हेन अनदर थिन फिल्म एफ टू इज पेस्टेड इन फ्रंट ऑफ लोअर फ्रिंज पैटर्न कम्स बैक, है ना। अगर देखो कम्स बैक हो गया, वापस आ गया, मतलब μ1 T1 इज इक्वल टू क्या होता है, याद रहेगा μ1 T1 इज इक्वल टू किसके होता है, μ2 T2 के होता है। अगर वापस आ गया ऑप्टिकल पाथ बराबर हो, T क्या हो गई, थिकनेस हो गई। अब देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, टू फिल्म्स आर इक्वली थिक। अब देखो हमें यह नहीं पता ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, द ऑप्टिकल पाथ ऑफ लाइट इन बोथ द फिल्म इज इक्वल, द ऑप्टिकल पाथ ऑफ लाइट इन बोथ द फिल्म इज इक्वल। भैया सही है ये, ऑप्टिकल पाथ दोनों में क्या है बताओ, इक्वल है। आ रहा समझ में, है ना, नहीं समझ में आ रहा, ऑप्टिकल पाथ क्या होगा दोनों में सेम हो जाएगा, तभी तो वापस आ गया, कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। समझ में आया कि नहीं आया, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट बाय 1 मिलीमीटर, दूसरे में लगाया तो वापस आ गया, इसका मतलब क्या हो गया बताइए, है ना, ऑप्टिकल पाथ सेम। आंसर इसका होना चाहिए कौन सा, बोलो सेकेंड। क्या मिला हुआ है, हैं आंसर क्या मिला हुआ है इसमें, हैं ठीक, चेंज कर लीजिए, दोनों का ऑप्टिकल पाथ सेम है, जब भी कभी ऑप्टिकल पाथ बेटा सेम होता है तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना। चेंज कब होता है, जब दोनों का ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक, अगला देखिए, इन वाई डी एस सी परफॉर्म्ड विद बाइक्रोमेटिक लाइट दो हैं, डी दिया कैपिटल डी, लीज डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू द टू वेव लेंथ कॉन्साइड, कहाँ कॉन्साइड करेंगी, तो बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, वाई सेम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, N1 λ1 इक्वल टू N2 λ2, नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्साइड करेगा ना। ब्राइट फ्रिंज का क्या फॉर्मूला होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए वाई होता है N λ d/d, अगर कॉन्साइड करेगा तो N1 λ1 N2 λ2 होगा कि नहीं होगा, तो N1 λ1 कितना दे रखा है बच्चा, 5500 दे रखा है, और N2 नहीं पता, λ2 कितना दे रखा है, 6000 दे रखा है। अब आप यहाँ से सॉल्व कर लो क्या निकलेगा बताओ, 11 से डिवाइड करो, 11 × 55 है ना, और ये कितना आ जाएगा, किससे डिवाइड करो, सॉरी 5 से करो, 11 12, तो N1 है ना, 11 N1 इज इक्वल टू 12 N2 है कि नहीं, या ये कह सकते हो N1 / N2 बराबर 12/11 है, तो N1 की जगह 12 रख लो, या N2 की जगह क्या रख दो, 11 रख दो, यही तो आएगा। तो जब डिस्टेंस निकालोगे तो N1 λ1 d/d रख दो, N1 λ1 कितना आया, N1 की जगह 12 रख दो, और λ1 तुम्हें पता ही है 5500 एंगस्ट्रॉन्ग रख दो, -10, कैपिटल डी कितना दे रखा है बताओ, 1 मीटर दे रखा है, ये 2 मिलीमीटर दे रखा है, 10⁻³। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ये आंसर 3.3 मिलीमीटर आ जाएगा। N1 λ1 किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, N2 λ2, ये होता है, नोट कर लीजिए। अगला देखो, 36, अ सीरीज रेजोनेंट LCR सर्किट हैज क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर 0.4 दे रखा है, R दे रखा है कितना, 2 किलो ओम दे रखा है, L दे रखा है वन माइक्रोफेराड, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L, तो Q बराबर 1/R √L/C होता आंसर, लगा दीजिएगा आंसर आ जाए,
क्यू का फॉर्मूला 1/r अंडर रूट ऑफ एल बाई क्या होता है सी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अगला देखिए 37। एक इंक्लाइंड प्लेन दिया है, एज एंगल इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेज 30 डिग्री, बॉक्स स्टार्ट स्लिप एंड स्लाइस 4 मीटर डाउन इन 4 सेकेंड, कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी। देखो पहली बात तो ये 30 डिग्री पर खिसकने लग रहा है, अगर 30 डिग्री पर खिसक रहा है तो म्यू बराबर 10 थीटा होता है कि नहीं होता है, बोलो। म्यू बराबर 10 थीटा, कौन सा वाला, स्टैटिक वाला, तो म्यू एस बराबर 10/30 होगा, तो इसका मतलब 1/√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो पहला तो 1/√3 हो गया, क्यों। अब दूसरा क्या पूछ रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, अगर हम कुछ भी ना करें तो आंसर अपने को पता चल गया है, क्यों भाई। देखो एक 1/√3 आ गया है, दूसरा देखो आंसर हमारा 0.3√3 होगा, क्योंकि जो म्यू के होता है कभी म्यू एस से बड़ा नहीं होता है। तो देखिए दो आंसर हमारे पास 3 और 4 में 1/√3 है कि नहीं है, लेकिन 4 वाले में म्यू के √3 दे रखा है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, √3 का मतलब हो गया 1.732, बहुत ज़्यादा है, कभी भी म्यू के की वैल्यू म्यू एस से ज़्यादा नहीं होती है, तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला, खत्म हो गया, बेकार में सॉल्व कर रहा है। म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से क्या होती है बताओ, ज़्यादा। और अगर किसी का फिर भी करने का मन हो रहा है, नहीं दिल कह रहा है मैं सॉल्व करूँगा, तो आपको क्या दे रखा है बताओ, टाइम दे रखा है बेटा और डिस्टेंस दे रखी है, ए निकल आएगा और ए का फॉर्मूला जी म्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लगा देना आंसर आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आंसर आ जाएगा। अगला देखो इलेक्ट्रिक डायपोल, ये तो एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, क्लास में कराया है, π/3 + tan inverse √3/2 नहीं याद आया, क्लास में एग्जैक्टली क्वेश्चन किया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 38 है ना, हमने बताया था कि जैसे कोई डायपोल है, माइनस क्यू है प्लस क्यू है, यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं फील्ड के, एक रेडियल होता है एक टेंजेंशियल होता है, ये रिजल्टेंट होता है, ये अल्फा होता है, तो यहाँ पर 10 α होता है 10θ/2 कितना होता है ना, और इसको आगे बढ़ा दिया जाता है यहाँ से, ये डायपोल मोमेंट होता है, ये एंगल अल्फा होता है, ये थीटा होता है, तो ये एंगल थीटा प्लस कितना होता है अल्फा। अब ये देखो 60 डिग्री दिया है, तो 10 60/2 करोगे तो √3/2 आएगा, तो अल्फा कितना निकलेगा, 10 inverse बोलो √3/2 आएगा, तो यहाँ से टोटल एंगल थीटा प्लस अल्फा है, तो π/3 प्लस कितना हो गया, 10 inverse √3/2 आंसर खत्म। आ रहा समझ में कि नहीं, एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, क्लास में कराया, एग्जैक्टली कराया, ठीक है ना, तभी हमको रटा है, तो तुमको भी रटा होना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39। टू सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ सेम मटेरियल हैव सेम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू देम इज 1:8, रेडियाई ऑफ द रॉड्स आर इन द रेशियो रेशियो ऑफ देयर लेंथ। बहुत आसान है, क्या फॉर्मूला लगाओगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के, एरिया होता है π r² और टेम्परेचर डिफरेंस θ1 - θ2/ क्या हो जाएगा, एल होगा कि नहीं होगा, बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप यहाँ से सीधा सीधा रेशियो निकाल दो, काम खत्म। क्या क्या सेम दे रखा है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखा है, सेम मटेरियल है, के सेम हो जाएगा, क्यों, तो H1/H2 करोगे, R1² क्या हो गया, R2², L2 क्या हो गया, L1, तो यहाँ से L1/L2 निकाल लो, ये इधर ले आओ ये उधर ले जाओ, तो R1/R2² और H2 क्या होगा, उठा के रख दो आंसर आ गया, खत्म, ठीक है ना, ये वैल्यू। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मटेरियल सेम है के सेम होगा, मटेरियल सेम है के सेम हो जाएगा, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन में अटका मत करो, मैंने देखा कुछ लोगों को बहुत आराम से सॉल्व करते हैं, ये मेथड नहीं होता, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, सोचने की भी करने की भी, है ना, ये जो कछुआ चाल होती है ना ये काम नहीं करेगी भाई। आपने कर भी लिया, मान लो 15-20 क्वेश्चन कर भी लिए, तो उसको भला होना नहीं है, स्पीड बढ़ाओ, है ना, जब तक 25-30 क्वेश्चन क्रॉस नहीं करोगे फायदा नहीं है, तो वो तभी होगा जब आप स्पीड बढ़ाओगे, क्यों। आगे देखिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये तो अपने आप कर सकते हो, क्यों कौन सा सही नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। गलत है, है ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है। अगला 41, द कॉइल ऑफ एरिया इतने टर्न्स इतने, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर एट द रेट ऑफ इतने गॉस पर सेकेंड, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इतने, करेंट इन द कॉइल इज। बहुत आसान है ना, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 41 वाले की बात हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा चेंज हो रहा है तो EMF का फॉर्मूला होगा माइनस NA dB/dt। मैग्नेटिक फील्ड देखो चेंज हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो dB/dt आ गया कि नहीं आ गया, सब दिया है क्वेश्चन में, डायरेक्टली हमको दिया है। पर ध्यान ये रखना गॉज में दिया है, टेस्ला में निकालना पड़ेगा। उसने जो dB/dt दिया है 10^8 गॉज पर सेकेंड दिया है, और 10^4 जो होता है क्या बोलो, 10^4 गॉज 1 टेस्ला होता है कि नहीं होता है, बोलो 10^4 क्या होता है, 4 गॉज। तो यहाँ पर क्या जाएगा बताओ, 10^4 क्या होगा बताओ, 4 गॉज है, 1 टेस्ला के बराबर है। तो 10^4 से इसको डिवाइड करोगे तो 10^4 टेस्ला पर सेकेंड आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसको टेस्ला में ज़रूर कर लेना, उसके बाद कोई दिक्कत है नहीं। 10^4 गॉज क्या होता है बताओ, 1 टेस्ला होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से 10^4 टेस्ला पर सेकेंड आ जाएगा। बाकी करंट की वैल्यू पूछ रहा है तो करंट का फॉर्मूला E/ क्या होता है, R होता है, आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अगला 42 वाला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास, देखो सेंट्रीपिटल एसिलेशन दे रखा है इसमें, है ना, ये दिया है K²RT², और उसने क्या पूछा, पावर डिलीवर्ड पूछा है, क्या पूछा है, पावर डिलीवर्ड। ये सेंट्रीपिटल होता है V²/R, K²RT², तो V²K²R²T², तो V=KRT हो गया, तो dV/dt क्या निकल आया बताओ, KR हो गया। अब फोर्स हमारे पास दो होते हैं बेटा, एक सेंट्रीपिटल होता है, एक कौन सा होता है, टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल का पावर जीरो होता है, टेंजेंशियल का निकाल लेंगे बात खत्म हो जाएगी। टेंजेंशियल का फोर्स होता है M dV/dt, तो ये आ जाएगा MKR आ जाएगा। और पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी KRT दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आएगा MK²R²T आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दो फोर्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है टेंजेंशियल, एक कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का पावर क्या होता है, जीरो होता है, तो केवल किसका निकाला जाता है बताओ, टेंजेंशियल का निकाला जाता है, आंसर हो गया। आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, आप देख सकते हैं लगभग हर एग्ज़ाम में आ चुका है, JEE में आ चुका है, एम्स में आ चुका है, लगभग हर एग्ज़ाम में आया है पावर, और हमने क्लास में करवाया भी, हमारी शीट में भी दिया हुआ है ना, एक काइनेटिक एनर्जी As² करके दिया है, रिजल्टेंट फोर्स, वो भी क्वेश्चन आया है, उसको भी रट डालिएगा। अगला देखिए 43 वाला है, क्वेश्चन नंबर है 43, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय पोटेंशियोमीटर, इट इज़ फाउंड दैट बैलेंस पॉइंट इज एट अ लेंथ ऑफ 2 मीटर, बैलेंस पॉइंट लेंथ 2 मीटर पर है, व्हेन अ सेल इज शंटेड बाय 5 ओम रेजिस्टेंस। अब हमने दूसरी बार में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो अब क्या हो रहा है, एट इट्स लेंथ ऑफ 3 मीटर व्हेन द सेल इज शंटेड बाय 10 ओम। एक सेकेंड, पहली बार की बैलेंस लेंथ है और शंटिंग जो हुई है वो 5 ओम के साथ हुई है, दूसरी बार की जो बैलेंस लेंथ है वो 3 मीटर है, और जो शंटिंग हुई है वो कितने के साथ हुई है, 10 ओम के साथ, जो शंटिंग हुई है वो 10 ओम के साथ हुई है। ठीक, क्या कह रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस इट इज़ फाउंड दैट द बैलेंस पॉइंट इज एट 2 मीटर व्हेन सेल इज शंटेड बाय 5 एंड इट्स लेंथ ऑफ 3 मीटर व्हेन द सेल इज शंटेड बाय 100। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, सेल की क्या पूछ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखो अब यहाँ पर मजेदार बात यह है कि दोनों बार में EMF का नहीं दिया हुआ है, दोनों बार में हमको V दिया हुआ है, दोनों बार में क्या दिया है, V दिया है। हमारे पास V का फॉर्मूला होता है E-IR होता है कि नहीं होता है, V का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, E-IR होता है। E हमें दोनों बार में नहीं दिया है, पहली बार में हमको V1 दिया है ना,
और दूसरी बार में हमको V2 दे रखा है कि नहीं। अच्छा, यहाँ से IR करोगे तो E माइनस V अपॉन क्या मिलेगा, I, तो R इक्वल टू मिलेगा E माइनस V अपॉन I की जगह V अपॉन R मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का। पहली बार में जब तुम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे तो E माइनस के एल वन आएगा अपॉन के एल वन आएगा इंटू पहली बार का रेजिस्टेंस आ जाएगा। दूसरी बार का इंटरनल निकालोगे तो E माइनस क्या निकलेगा, के एल टू निकलेगा अपॉन के एल टू निकलेगा इंटू आर टू निकलेगा। पहली बार में दोनों को बराबर कर दो, यहाँ से E निकल आएगा और दूसरी बार में चाहे किसी में भी रख दोगे तो R निकल आएगा। नहीं समझ में आ रहा भाई? पहली बार में E चाहिए होगा ना, E कैसे निकालोगे, तुमको सब पता है। ये देखो, पहली बार में जब तुम रखोगे तो E माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? दोनों को है ना इक्वेट कर देना, के इधर से कट जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा बताओ, E माइनस के एल वन कितना दिया है, बोलो एल वन कितना दिया है, 2 मीटर दिया है अपॉन इंटू आर तो है ही है, आर दिया है 5 अपॉन के एल वन कितना दिया है 2 बराबर। दूसरी बार में E माइनस कितना करोगे, है E माइनस क्या करोगे बताओ, E माइनस के इंटू 3 मीटर अपॉन के इंटू 3 इंटू क्या करोगे 10। अब समझ में आया कि नहीं आया? E की वैल्यू आ जाएगी के टर्म्स में, उठा करके चाहे फर्स्ट में रख देना चाहे सेकंड में, क्या निकल आएगा आंसर? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? दोनों बार में क्या करोगे बताओ, यहाँ पर सॉल्व कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ आंसर। ना ऐसे करने का मन हो तो यहाँ से दोनों के इक्वेशन बना करके E को एलिमिनेट कर देना, ये भी कर सकते हो। क्या करोगे बताओ, यहाँ से E को एलिमिनेट कर दोगे, यहाँ से V1 रख लेना पहली बार में, E माइनस आई है ना, आई की जगह रख देना क्या V अपॉन आर वन है ना, और दूसरी बार में V2 ले लेना, E माइनस V अपॉन आर टू इंटू आर ले लेना, यहाँ से क्या करना एलिमिनेट कर देना, यहाँ से E कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कटेगा बात खत्म हो जाएगी। तो जैसे आपको करना हो, आपको जो मन करे, एलिमिनेट करना है कि दोनों को इक्वल करके करना है तो भी आ जाएगा। दो तरीके हैं तुम्हारे, कैलकुलेशन दोनों में करनी पड़ेगी, बिना उसके बनेगा नहीं, सॉल्व कर लेना इसको, है ना? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने में आपको ये वाला तरीका लगाना पड़ता है। अगला देखिए 44 में, देखो ग्राफ दिया है, क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर और सेल्सियस उसका है, ये तो आंसर सीधा फिक्स है। स्लोप ऑफ द लाइन इज 5/9, सी अपॉन 5 क्या होता है, एफ माइनस 32/9 होता है कि नहीं होता है, तो सीधे सीधे स्लोप निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5/9। डिग्री सेंटीग्रेड और फेरनहाइट का ग्राफ है, ठीक है ये। अगला क्या कह रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट शोन इन द फिगर अंडर आर इक्विवेलेंट टू, बहुत बढ़िया। ये देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया है, नैंड गेट का कॉम्बिनेशन लिया है। नैंड गेट का क्या लिया है बताओ, दो कॉम्बिनेशन दिए हैं। पहली बार में देखिएगा कैसे दिया है, पहली बार में देखो ये दिया है, ये दोनों इनपुट मिले हुए हैं बच्चा, इसमें दोनों इनपुट जो हैं वो मिले हुए हैं, और अगर दोनों इनपुट मिला दिए जाएँ और वापस नैंड गेट को दे दिया जाए तो ये ए हो गया, ये ए नॉट हो गया, ये बी हो गया, ये बी नॉट हो गया। अब तुमने इसको नैंड कर दिया है तो ए नॉट एंड बी नॉट का होल नॉट ए और बी होता है कि नहीं होता है, याद आया? ए नॉट एंड बी नॉट का होल नॉट करोगे तो क्या होता है, ए और बी होता है, होता है कि नहीं होता है? क्लास में बताया डी मॉर्गन थ्योरम है। तो ये और गेट हो गया, दूसरी बार में क्या है, पहले नैंड गेट फिर नॉट गेट, तो ये वापस कौन सा गेट बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा। ये कौन सा गेट बन जाएगा बताओ, एंड गेट बन जाएगा। ए नॉट एंड बी नॉट का होल नॉट करोगे तो ए और बी होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? याद रखना ये फैक्ट है सीधे सीधे, ये क्लास में हम लोगों ने किया भी है, याद भी रखना है। तो ये और गेट है और ये कौन सा गेट है बताओ, एंड गेट। ठीक, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए 46। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए,
अ कंडक्टिंग रॉड पी क्यू ऑफ लेंथ इतना दे रखा है, अ कैपेसिटर इतना कनेक्ट किया हुआ है, पूछ क्या रहा है, हैं चार्ज पूछ रहा है ना, क्यू ए क्यू बी है ना। तो यहाँ पर देखो, ये आपने कैपेसिटर लगाया है और ये रॉड यहाँ पर स्लाइड हो रही है इधर की तरफ, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ये कैपेसिटर है। यहाँ पर चार्ज पूछ रहा है, क्या क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 2 टेस्ला का है, और क्या दिया है, लेंथ हमको 1 मीटर दे रखी है और कैपेसिटेंस दे रखा है 4 माइक्रोफेराड। अब ये क्या पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कितना इंड्यूस EMF होगा बोलो, BLV होता है कि नहीं होता है, बी कितना दिया है 2, लेंथ कितनी 1 और वेलोसिटी कितनी है 5, तो ई का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बताओ, 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो 10 वोल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हैं कितना हो गया 10। और क्यू का फॉर्मूला CV होता है कि नहीं होता है, मल्टीप्लाई कर दो 40 माइक्रोकूलम, आंसर ख़त्म। एक पॉजिटिव प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है बताओ, नेगेटिव प्लेट है, जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा इसको मिल जाएगा, कहानी ख़त्म हो गई। ले है आसान कि नहीं, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू ब्रिस्टर्स एंगल इफ म्यू रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू यर एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। तो आंसर 90, ब्रिस्टर्स एंगल पर जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड होती हैं दोनों क्या होती है 90, फैक्ट है, याद होना चाहिए। रेशियो ऑफ टर्न्स इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 1:2 इफ़ द लेकलेंची सेल ऑफ 1.5 इज कनेक्टेड। तो भैया लेकलेंची सेल तो DC होता है, DC में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, तो आंसर 0, खत्म हो गया। नहीं समझ में आ रहा, लेकलेंची सेल कौन सा होता है, लेकलेंची सेल, डेनियल सेल, ये सारे कौन से सेल हैं, हैं डीसी वाले हैं, कोई भी सेल हो डीसी वाला होता है। अगला, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर, मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इतने फ्रॉम द वायर, म्यू नॉट अपॉन 4π2i/x, क्यों, लॉन्ग वायर का फॉर्मूला है ना, क्वेश्चन नंबर 49। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4π2i/x क्या होता है, एक्स लगा देना, आंसर आ जाएगा। अगला, एसलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन है ना मोमेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ए दे रखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है बताओ, 2i/+3j/+4k/, ए दिया हुआ है कितना, xi/+j/- क्या है, कह रहे हैं कि x की वैल्यू बताइए। अच्छा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फोर्स के साथ परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, तो एसलेशन के साथ परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, तो a.b=0 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ख़त्म। ये देखो 2x+3-4=0, तो 2x क्या जाएगा बताओ, -1=0, तो 2x = कितना बोलो, 1 आएगा, तो x = 0.5, ख़त्म आंसर। ऐसे किया जाए, नहीं समझ में आ रहा, फोर्स किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड, ए किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0, ख़त्म हो गया। HC वर्मा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके दिया हुआ।